आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले में 61 सहकारी समितियों में चुनाव है, चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। और आपको बता दें कि मतदाता अपने मतों का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान ये रहेगा। साथ ही डायरेक्टर पद को लेकर भी चुनाव होना है, चुनाव को लेकर प्रत्याशी जो है अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। बुढ़ाना तहसील के प्राथमिक कन्या विद्यालय में भी मतदान जारी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले के अंदर 61 सहकारी समितियों के चुनाव के लिए यहां पर मतदान की प्रक्रिया आज हो रही है। इसी के साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यह चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बुढ़ाना तहसील के प्राथमिक कन्या विद्यालय में ये मतदान की प्रक्रिया इस समय चल रही है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदाता अपने मत का प्रयोग करके इन चुनाव में भाग ले सकेंगे। तो मुजफ्फरनगर के लिए आपको बता दें कि 61 सहकारी समितियों के चुनाव के लिए यहां पर आज अपने मत का प्रयोग करते हुए मतदाता नजर आ रहे हैं। सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी यहां पर अलर्ट है। मतदाता एक तरफ अपने चुनाव का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर पूरी तरह से नजर रखी गई है, किस तरह से पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये चुनाव प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन यहाँ पर सख्त नजर आ रहा है। तो बड़ी अपडेट जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आज सहकारी समितियों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और 61 सहकारी समिति जिनके लिए आपको बता दें कि ये चुनाव हो रहा है। साथ ही डायरेक्टर पद के लिए को लेकर भी आपको बता दें कि चुनाव होना है, जिसको लेकर आज मतदान की प्रक्रिया इस समय जिला मुजफ्फरनगर में चल रही है।